प्रॉब्लम है इसके लिए गॉडफादर जमशेदपुर और एबीसी गुड़ाडी चांदे गॉडफादर जमशेदपुर और एबीसी गुड़ाडी चांदे भाई आप दोनों से भी निवेदन करेंगे कि कुछ मिनट के बाद आप भी तैयार होकर मैदान के करीब चले आएंगे गॉडफादर जमशेदपुर और साथ ही साथ एबीसी गुड़ाडी चांदे पासांची लेक नहीं वाके শর্ট সলিট দিয়েছিল দু হাজার বাদেন বেশি হাত রাধার রাধা থাকবে সকালে তোদের যদি তোদের মানে আই বালি বসলে আছে কি ভাই आप अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह तैयार कर लीजिए मध्यंतर हो चुका है हालांकि एक टीम में तो हम देख पा रहे एबीसी गुड़ाडी चांदी को आपकी भी अगर तैयारी हो चुकी है तो धीरे धीरे आपकी टीम मंच के सामने चले आएंगे और चौथा मुकाबला में दोनों महतो ब्रदर्श शेर ये चीज कबरा यहाँ देखिए पुनः दर्शकों से निवेदन आप लोग बार बार अपने अपने मोटरसाइकिल को मेन गेट के सामने पूरी तरह क्लोज करना चाहते हैं आप लोग मेन गेट को एकदम जाम करना चाहते हैं कि कोई पार ही ना हो तो कमेटी में आपको गाड़ी को उठा के कहाँ रखे उठा नहीं पाएंगे इसीलिए बार बार कहा जा रहा है मोटरसाइकिल को हटा लेंगे चार पांच आदमी से ही हो सकता है चार पांच आदमी अगर उठाएंगे तो चलने में दिक्कत है तो छूट उठ जाएगा और हाथ से छूटा मतलब कुछ ना कुछ क्षति भी हो सकता है छूटा मतलब टूटा फिर बाद में शिकायत मत कीजिए हमें आपने अवगत कराया नहीं हमें सोचना ही नहीं दिया अरे भाई आप भी समझदार हैं आप अपने चप्पल को भी शायद मेरे ख्याल से एकदम दरवाजे के सामने नहीं रखते हैं चप्पल को भी दरवाजे के सामने नहीं रखते तो उसे किनारे करके रख देते हैं ताकि कोई भी आने जाने के समय आपके चप्पल को लात ना मारे अपने घर की मैं बात कर रहा हूं तो ठीक उसी तरह ये पूरे गेट को अपन जाम कर रहे हैं तो आप में तो थोड़ी बहुत समझदारी तो है लेकिन समझदारी होने के बाद भी अगर आप अपने समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं तो फिर आप क्या कहेंगे चले आएंगे दोनों मेन गेट के सामने रख दिए हैं तो हाथ से बिलेती है कि आप अपना मोटरसाइकिल कृपया उसे हटा लेंगे और उसे हटाने के बाद
रखने की दिक्कत कहीं नहीं है, आप उत्तर साइड में बहुत तरह जगह उधर आराम से पार करके रख दीजिए। बार बार कह रहे हैं सर, आप सुन रहे हैं लेकिन सुन कर क्यों अपने काम सुना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए गोल फादर, बहुत 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 शुक्रिया। खराब पूरा ले इसलिए हालांकि भाई इस टीम में भी काफी रमदा जमशेदपुर की टीम के लाइनअप पर परिस्थितियां जब उनके प्रतिकूल हो गई, उनकी विपरीत हो गई है, एक गोल की बढ़त बनाने के बावजूद एक बहुत अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है, तो अगर उनके सामने आप वापसी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर करना होगा, सभी खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाना होगा। फिलहाल फिर गेंद के साथ अगला मैच के लिए दोनों टीम तैयार होकर हमारे मैदान के करीब आ चुकी है। दोनों टीमों के टीम कैप्टन टीम मैनेजर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, गॉडफादर जमशेदपुर और एबीसी गुराड़ी चांडे, आपका बहुत अच्छा सहयोग हमारी कमेटी को मिला, समय रहते आप हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, तो इन दोनों टीमों का बहुत बहुत स्वागत है प्रस्ताव के पांचवें मुकाबले के लिए। फिलहाल हमारे अच्छा मौका कुछ कर इस्लाई अंदाज में खेल दिखाना पड़ेगा, पास खिला नहीं कोई लोग थाड़ू बोल मतलब नहीं और हमारे मुर्गापाड़ा के लिए हमारी कमेटी के कुछ मेंबर को ड्यूटी दिया गया है, जिनके देख रेख में आज मुर्गापाड़ा का शांतिपूर्वक आयोजन करना है। मैं उनके नाम ले रहा हूँ, आप सभी कमेटी मेंबर कुछ समय के बाद आप हमारे मंच के करीब चले आएंगे।